फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ बाँझपन के बारे में। आज के जमाने में बाँझपन एक आम समस्या है। ये कोई शर्मिंदगी या फिर कोई अभिशाप नहीं है। पहले समय की बजाय इस समय में इस चीज को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से देखा जाता है, क्योंकि किसी भी लेडी को बेबी हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी की कमी की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए कई बार लेडीज डिप्रेशन में आ जाती है, जिससे बचने के लिए उन्हें काफी कुछ करना चाहिए। टिप नंबर 1, भावनाओं पर काबू रखें। किसी दूसरी गर्भवती महिला को देखकर अपने मन में जलन का भाव बिल्कुल ना लाएं। उसे खुले मन से संवेदनशील होकर अच्छे तरीके से भावनाएं व्यक्त करें। अगर मन में कोई बात है तो अपने पार्टनर से शेयर करें, और अपने दुख को जाहिर करने के लिए ज्यादा किसी से बात करना आपके लिए उचित नहीं होगा। नंबर 2, पार्टनर के साथ साथ निभाएं। जी हाँ, यदि आप में कोई दोष नहीं है और ये सब आपके पार्टनर की वजह से हो रहा है, तो उसे कभी भी गिरी हुई निगाहों से ना देखें। उसे अपने साथ और एक सामान्य व्यवहार के साथ ही रखें, और अपने पार्टनर का साथ देते हुए उसे सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। टिप नंबर 3, हेल्थी रिलेशन बनाएं। बाँझपन का पता लगने के बाद लोगों के साथ अपने संबंधों को बिल्कुल भी परिवर्तित ना करें। अपने बाँझपन होने के या फिर माँ ना बन पाने के कारण को एक बार ही सब लोगों को स्पष्ट कर दें, ताकि बार बार ना कोई आपसे सवाल पूछे और ना ही बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। टिप नंबर 4, काम में मन लगाएं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रखिए, क्योंकि यही आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अपने दुख को कवर करने के लिए। अगर आप अपने आप को काम में व्यस्त रखेंगी तो आपके मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे, साथ ही साथ आप बार बार उन चीजों के बारे में नहीं सोच पाएंगी जिन्हें आप बार बार सोचना चाहती हैं, और जो आपके मनोबल को और भी ज्यादा गिराते चले जाते हैं। नंबर 5, पारदर्शी रहें। अपने दुख को अपने परिवार के साथ अच्छे तरीके से शेयर करें। ऐसा करने से आप अपने दुख को बांट भी सकेंगे, साथ ही साथ परिवार वाले भी आपके भावनात्मक रूप से सहयोग देंगे और आपके दुख को कम करने के लिए हमेशा सहयोगी बने रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।